हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड टीवी यूजर हैं और अपने एंड्रॉयड टीवी पर लाइव टीवी चैनल्स देखना चाहते हैं बिना किसी डीटीएस सेटअप बॉक्स या केबल टीवी कनेक्शन के, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी ऐप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने एंड्रॉयड टीवी में लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन ऐप्स के बारे में डिटेल्स में मैं आगे आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ऐप्स में जाने के लिए सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर में जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर में एंटर करते हैं। इसके बाद आप सर्च में जाते हैं। यहाँ पे सर्च में गए तो पहली ऐप दोस्तों वो है वाचो टीवी ऐप। ये डिश टीवी वालों की है वाचो टीवी ऐप। जो डिश टीवी आप पहले डीटीएस सेटअप बॉक्स लेते थे उसी नेटवर्क की है ये। तो यहाँ पर सर्च करते हैं वाचो टीवी, वाच सर्च करता हूँ मैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ गई आपकी वाचो टीवी ऐप, ये वाली एप्लीकेशन। इसको ओपन करते हैं तो ये वाली एप्लीकेशन दोस्तों आपकी वाचो स्मार्ट टीवी आपको डाउनलोड कर लेनी है और इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों। आप देख रहे होंगे मैं अपने मोबाइल से अपने टीवी को कंट्रोल कर पा रहा हूँ एज ए रिमोट की तरह। तो आपको भी ये जानना है कैसे आप अपने एंड्रॉयड टीवी को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरी एक इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है दोस्तों मैंने, वो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। मैं गूगल टीवी ऐप का यूज़ करके मोबाइल में इसको एज ए रिमोट की तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने मोबाइल को और एंड्रॉयड टीवी को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन वाचो टीवी ऐप, इसमें एक फ़ायदा और है, आप लाइव टीवी चैनल्स के साथ में दोस्तों बहुत सारे जो ओटीटी कंटेंट के आपके कंटेंट है एक ही एप्लीकेशन में देख सकते हैं। जैसे G5, सोनी लिव, हॉटस्टार, हंगामा, ये सब दोस्तों एक ही आप एप्लीकेशन में देख पाएंगे। और इसके जो चार्जेस है वो भी नॉमिनल है, इतने ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूँ चार्जेस क्या हो रहे हैं। पहले हम लाइव टीवी देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं लाइव टीवी की टैब है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको ये फ्री लाइव टीवी चैनल्स यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये सारे लाइव टीवी चैनल्स आप यहाँ फ्री में देख सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के भी। तो आप देख सकते हैं जी न्यूज़ है यहाँ पे, 9XM है, रिपब्लिक भारत, इंडिया न्यूज़, DD नेशनल है, इंडिया टीवी है, नवभारत है, इसके अलावा पिटारा टीवी है, द क्यू है, संसद टीवी है। वी ऑल में जाएंगे तो ऑल चैनल दिख जाएंगे आपको। बाकी चैनल आप देख सकते हैं नीचे, जैसे DD भारतीय है, न्यूज़ नेशन है, न्यूज़ एक्स है। ये सब टीवी चैनल दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं, इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। और कुछ चैनल्स हैं जो पेड चैनल्स हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे GTV के चैनल्स हैं आप देख सकते हैं, जैसे GTV के लाइव चैनल्स हैं यहाँ पे, G Talkies, G Cinema, G Tamil, G Marathi, और भी चैनल्स होंगे इसमें G के। व्यू ऑल में जाते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके काफ़ी सारी GTV के चैनल। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको OTT का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो इसमें डिफरेंट प्लान्स हैं वो लेने पड़ेंगे आपको। तो मैं आपको बताता हूँ OTT का इसमें प्लान क्या क्या है जो आप ले सकते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी आपके प्लान्स हैं, फ्लेक्सिबल प्लान्स भी अवेलेबल है, यू कैन क्रिएट योर प्लान आल्सो। तो इसमें देख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस से शुरू होता है, 39 रुपीज़ पर मंथ से भी इसमें एक प्लान चालू होता है इसमें, लेकिन वाचो टीवी है ओनली OTT कंटेंट में। दूसरा प्लान आपका 499 एनुअल है, इसमें आपका वाचो, हंगामा और कुछ ऐड हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्लान है इसमें 799 का, इसमें G5 आपका और वाचो ये ऐड हो जाता है। जो दोस्तों सबसे बेस्ट प्लान है इसका वो है इसका 2499 का एनुअली, इसमें आपका सोनी लिव, हॉटस्टार, G5, वाचो, ये सब आपको सब्सक्रिप्शन एक ही ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वाली फर्स्ट ऐप मैंने बताई वाचो टीवी ऐप, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड टीवी में और लाइव टीवी चैनल्स कुछ फ्री में देख सकते हैं। और कुछ आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो पेड एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेके एक ही ऐप में आप डिफरेंट OTT ऐप्स के कंटेंट देख सकते हैं। दोस्तों मैं जो सेकेंड ऐप में बताने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रो टीवी ऐप। तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और डिस्ट्रो टीवी ऐप को हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। दोस्तों ये वाली एप्लीकेशन है डिस्ट्रो टीवी ऐप, इसको ओपन करता हूँ मैं यहाँ से। आप देख सकते हैं डिस्ट्रो टीवी लाइव टीवी एंड मूवीज़, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से दोस्तों। ये डिस्ट्रो टीवी ऐप है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लाइव टीवी चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपके न्यूज चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट है, मूवीज़ हैं, किड्स हैं, बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं, म्यूज़िक के भी हैं। आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स में आपको CNBC आवाज़ है आपका, India TV 18 है, इसके अलावा ABP Live भी है दोस्तों इसमें, और आपके India TV भी है। इसके अलावा दोस्तों नीचे जाते हैं तो रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़ चैनल्स भी हैं आपके, इंग्लिश एंटरटेनमेंट न्यूज़ के कुछ चैनल्स हैं इसमें, इसके अलावा हिंदी रीजनल एंटरटेनमेंट के कुछ, मसाला, पिटारा TV है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे इसमें आपको न्यूज़ चैनल्स मिल जाते हैं, आपके जो फेमस लाइव टीवी चैनल्स नहीं हैं इसमें, जैसे कि आपका स्टार, जी और सोनी के, लेकिन इसमें कई सारे चैनल आप लाइव देख सकते हैं, न्यूज़ के और म्यूज़िक के चैनल्स आप देख सकते हैं। तो
तो ये डिस्ट्रो टीवी ऐप है। दोस्तों एक चीज़ आप बताता हूँ, जो MX प्लेयर है उसमें भी आजकल लाइव टीवी चैनल डिस्ट्रो टीवी के ही आते हैं, तो उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। तो जैसे हम MX प्लेयर में जाते हैं, MX प्लेयर टीवी में आप देखेंगे लाइव टीवी चैनल डिस्ट्रो से इन्होंने टाइप किया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे देख सकते हैं डिस्ट्रो टीवी करके आ रहा है, तो इसमें वही चैनल आपको शो होंगे जो उसमें डिस्ट्रो टीवी के ऐप आप डाउनलोड करेंगे। तो चाहे तो आप MX प्लेयर में सीधे यहाँ भी देख सकते हैं और चाहे तो डिस्ट्रो टीवी से भी देख सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी ऐप होगी डिस्ट्रो टीवी ऐप। अब दोस्तों मैं तीसरी ऐप जो बताने जा रहा हूँ वो है आपकी जियो सिनेमा ऐप है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जियो सिनेमा के बारे में बताने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो वूट आपकी ऐप थी अब जियो सिनेमा दोनों का मर्जर हो चुका है और धीरे धीरे आपके जो सारा जो वूट का कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, आपकी वूट ऐप आपको प्ले स्टोर में मिलेगी भी नहीं और जियो सिनेमा में आपको स्विच करना पड़ेगा। इसलिए जो सब्सक्राइबर जिन्होंने ऑलरेडी वूट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो बेटर है अभी जियो सिनेमा शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अब आपको प्रोमो कोड मिल रहा है, उससे आप प्रोमो कोड एंटर करके अपने जियो सिनेमा में उससे लॉगिन कर सकते हैं वूट के सब्सक्रिप्शन से भी। दोस्तों जो जियो सिनेमा ऐप है इसमें IPL के मैचेस देख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में हो सकता है आपका जियो का और वूट का जब मर्जर हो रहा है तो हो सकता है वूट के चैनल भी आपके यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके कलर्स के जो चैनल थे वो भी फ्यूचर में हो सकता है आपके यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों दो ऐप और हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी G5 और सोनी लिव, तो उसमें भी आप काफ़ी सारे लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। तो सोनी लिव पे जाके देखते हैं। दोस्तों अगर लेफ्ट साइड में आप जाएंगे सोनी लिव ऐप में तो डाउन करेंगे यहाँ पे मेनू में तो आपके यहाँ शो होगा चैनल्स, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको लाइव टीवी चैनल्स यहाँ शो हो जाएंगे जो सोनी के चैनल से आप लाइव देख सकते हैं, जैसे सोनी एंटरटेनमेंट है, सोनी सब चैनल है, इसके अलावा सोनी BBC अर्थ है, सोनी प्ले, ये कुछ चैनल्स आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा मूवी चैनल्स भी हैं आपका सोनी मैक्स SD, सोनी वाह, सोनी मैक्स 2। इसके अलावा दोस्तों स्पोर्ट्स चैनल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सोनी स्टार, सोनी स्पोर्ट्स 1 SD, स्पोर्ट्स 3, ये सब चैनल्स हैं। तो ये सब चैनल दोस्तों आप इसमें सोनी लिव ऐप में देख सकते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन तो इसमें दोस्तों मैं बताता हूँ आपका सब्सक्रिप्शन है जो वो मोबाइल में अगर देखना चाहते हैं तो ओनली आपका है 599 का प्लान है, अगर दोस्तों आप टीवी में भी देखना चाहते हैं तो 999 का पर ईयरली प्लान है, तो आप ले सकते हैं इसमें सोनी लिव का प्लान है, इसमें कई आपके लाइव टीवी चैनल्स आप देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं फिफ्थ ऐप जो बताने जा रहा हूँ वो G5 ऐप है, तो G5 ऐप आप डाउनलोड करके उसमें काफ़ी सारे जी चैनल देख सकते हैं। दोस्तों ये G5 ऐप में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेनू में आपको लाइव टीवी शो हो जाएगा, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो लाइव टीवी चैनल्स आपको शो हो जाएंगे। दोस्तों G5 की जो ऐप है इसमें आपको काफ़ी सारे लाइव टीवी चैनल्स देखने में मिल जाते हैं, ये इसकी खासियत है। न्यूज़ चैनल्स आप देख सकते हैं आज तक है इसमें, इसके अलावा आपका TV9 हो गया, इसके अलावा इंडिया न्यूज़ हो गया आपका दोस्तों, G Rajasthan, G Bihar, रीजनल चैनल हो गया, DD News हो गया, इंडिया न्यूज़ हो गया, तो ये काफ़ी सारी चैनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। म्यूजिक चैनल Zing TV है एक, ये Zing Live। एंटरटेनमेंट है दोस्तों इसमें काफ़ी चैनल्स आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं GTV के काफ़ी चैनल्स हैं यहाँ पे, GTV हो गया, इसका NTV हो गया SD, GTV SD हो गया, इसके अलावा DD National HD में मिल जाता है आपको, इसके अलावा दूरदर्शन के कई रीजनल चैनल भी हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये सब आपके दूरदर्शन के चैनल भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूवीज़ में आप देख सकते हैं मूवीज़ के भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं यहाँ पे, जी सिनेमा है, Netflix SD है, एंड पिक्चर्स है, इसके अलावा दोस्तों G Classic है, G Action है, G Anmol है, एंड पिक्चर है, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। लाइफस्टाइल में आपका G Jest SD और E24 है, डिवोशनल में साधना, संस्कार, सत्संग, ये सारे चैनल्स हैं। दोस्तों आप G5 का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें एक फ़ायदा है कि आपका लाइव टीवी के साथ साथ आप बहुत सारे आपके मूवीज़ और टीवी शोज भी देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म भी है आजकल जी। तो जी का जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो आपका मोबाइल ओनली प्लान 499 का है, और अगर प्रीमियम SD प्लान लेते हैं तो 699 है एनुअली, और दोस्तों अगर प्रीमियम 4 के प्लान लेते हैं तो 1499 का प्लान है। तो ये आपकी G5 ऐप हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड टीवी में लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं। मैंने आपको 5 एप्लीकेशन के बारे में बताया, जियो सिनेमा हो गई आपकी, डिस्ट्रो टीवी हो गई, वाचो टीवी हो गई, इसके अलावा दोस्तों आपका सोनी लिव और G5 ऐप के बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल वीडियोज़ फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।